लिटरली गाइस, स्मार्टफोन क्या है 2023 का किंग है। तो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जो सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा 5G के बारे में। कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ S23 अल्ट्रा 5G की। एंड ये आपको मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट पावरफुल कैमरा स्मार्टफोन होने वाला है। लिटरली गाइस, स्पेक्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो डिस्प्ले 6.8 इंच का, यस 6.8 इंच का, 12 बिट, 2 HD+, यस क्वाड HD+, LTPO 3.0, सैमसंग E6 सुपर एमुलेट डिस्प्ले, यस। एंड यहाँ पर आपको 3D कर्व डिस्प्ले के साथ आपको 144Hz हाई रिफ्रेश रेट के साथ आपको देखने मिलता है। तो लिटरली गाइस, डिस्प्ले में सैमसंग अपना खुद का जो डिस्प्ले यूज़ करता है, तो उसकी क्वालिटी आपको डे टू डे लाइफ में एक बेस्ट एंड यहाँ पर आपको काफ़ी बेटर आपको देखने मिलेगी उसकी क्वालिटी, जो कि इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल है। तो आपको बेटर क्वालिटी का डिस्प्ले यूज़ हुआ है, जहाँ पर आपको जो कंटेंट कंज्यूम करोगे या एनी वर्क करोगे, आपका एक्सपीरियंस वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। ऊपर से हाई रिफ्रेश रेट, 144Hz का हाई रिफ्रेश रेट एंड 400Hz का टच सैम्पलिंग रेट यूज़ किया है। DCI-P3 कलर गैमेट एंड 515 PPI पिक्सल डेंसिटी, 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो, 3D अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, HDR10+, वाइड बैंड L1 का सपोर्ट ऑब्वियसली देखने मिल जाएगा। डिस्प्ले में कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा 5G को 2023 का किंग बनाने के लिए, यस S23 एंड यहाँ पर आपको 2023 सुपर कॉम्बिनेशन होने वाला है। तो लिटरली गाइस, स्मार्टफोन क्या है अपने आप में एक बिल्ड एंड डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। ऑसम प्रीमियर एंड यहाँ पर आपको प्रोफेशनल टाइप का डिज़ाइन देखने में मिलेगा, जहाँ पर आपको फ्रंट पर विक्टस प्लस एंड बैक पर भी यहाँ पर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 रहेगा। डिफरेंट डिफरेंट कलर रहेंगे, जिनको आपको यहाँ पर जिस पर आप नज़र डालोगे उसे बाय करने का आप माइंड में बैठा लोगे। एस पेन का सपोर्ट इस रेंज में आपको डेफिनेटली रहने वाला है। IP68 की वाटर एंड डस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन रहेगी। बैक पर सैमसंग की ब्रांडिंग ब्लू, ब्लैक, गोल्डन, वाइट, इनमें आपको देखने में मिल जाएगा। ओवरऑल इन हैंड फील, वैसे तो स्मार्टफोन काफ़ी बड़ा रहने वाला है, बिकॉज डिस्प्ले 6.8 इंच का है। तो नॉर्मल हाथ हैं आपके तो आपको यानी इशू हो सकता है, अगर आपके बड़े हैंड हैं हाथ हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा। चिपसेट की बात कर लेते हैं गाइस। तो चिपसेट के लिए अभी तक यहाँ पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2, यस क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 देखने लिए मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पर मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट जो पॉपुलर स्मार्टफोन यूज़ होने वाला चिपसेट है। एंड ये सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा 5G में यूज़ हो रहा है, तो लिटरली परफॉर्मेंस में नो कॉम्प्रोमाइज। LPDDR5 रैम टाइप, UFS 3.2 स्टोरेज टाइप एंड Android 13 देखने मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स। एंड ये जनवरी में आपको यानी सैमसंग का जब लॉन्च इवेंट होगा तब आपको ये इंडिया में देखने के लिए डेफिनेटली मिल जाएगा फरवरी तक। तो डेफिनेटली इसका वेट करना बनता है लिटरली गाइस। सैमसंग One UI 5 पर ये रन करेगा, तो ओवरऑल स्पेक्स के अकॉर्डिंग इसमें परफॉर्मेंस टॉप नोट देखने मिलेगी, हवा से बातें करेगा स्मार्टफोन। कैमराज की बात कर लेते हैं, 200 MP का सोनी IMX989 के साथ 1 इंच का सेंसर यूज़ होगा। तो 1 इंच का सेंसर की क्वालिटी आप रियल लाइफ में यानी आप एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते हो। सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा 5G आईफोन 14 सीरीज को मैं लिख के कह सकता हूँ कि अच्छी खासी कड़क टक्कर देने वाला है, आमने सामने की टक्कर देने वाला है। दोनों का कंपेरिजन वीडियो करेंगे, बट से लॉन्च तो होने दो ये बार। अल्ट्रा वाइड टेलीफोटो एंड यहाँ पर आपको पेरिस्कोपिक, मैक्रो, इन सब का ऑप्शन आपको ऑब्वियसली देखने मिल जाएगा। फ्रंट पर बात करें तो गाइस, लीक्स एंड रूमर्स के अकॉर्डिंग 32 का सेल्फी स्नैपर मान करके चल सकते हो, यस, जहाँ पर आपको सोनी का लेटेस्ट सेंसर जो सोनी IMX766 सेंसर यूज़ होगा। एंड वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कर लेते हैं, 4K 30fps, 60fps, 90fps, 120fps एंड 8K वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूँ तो गाइस, 30fps, 60fps, यस। एंड यहाँ पर आपको 1080p 30fps वाले वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूँ तो गाइस, 240fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। फ्रंट से वीडियो रिकॉर्डिंग 4K 30fps, 60fps तक।
ऑल कैमरा फिल्टर रहेंगे। फ्लैगशिप कैटेगरी के जितने भी स्मार्टफोन में आज तक फिल्टर आपको मिलते थे वो सभी इंक्लूडिंग आपको सभी देखने में मिलेंगे। तो फ्लैगशिप कैटेगरी का कैमरा 200 मेगापिक्सल का कैमरा जो कि मोटोरोला एज 30 अल्ट्रा 5G में देखने में मिल रहा है इस टाइम, उस पर डिटेल वीडियो हमने किया क्रिएट किया हुआ है, चैनल से उसको आप चेकआउट करें। तो गाइस 4500 mAh की समथिंग बैटरी, बिकॉज स्मार्टफोन को थोड़ा लाइट वेट बनाना है सैमसंग का जैसे कि कहना है अभी तक, तो यहाँ पर आपको बैटरी इतनी ज़्यादा लॉन्ग आप एक्सपेक्टेड मत करो, बट फास्ट चार्जिंग एक्सपेक्टेड कर सकते हो, ये आपका चांस है। फास्ट चार्जिंग 200 वाट तक आपको मैक्सिमम आप इतनी एक्सपेक्टेड कर सकते हो। आप अपने स्मार्टफोन को 10 मिनट के अंदर अंदर फुल चार्ज कर पाओगे, तो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी बात लगी। चार्जर बॉक्स में मिल भी सकता है नहीं मिल सकता है, वो सैमसंग की महिमा है भाई, सैमसंग का यहाँ पर आपको हाथ रहा तो मिल जाएगा। अदर सेंसर्स की बात कर लेते हैं, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर, एस पेन का सपोर्ट, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस लॉक, ब्लूटूथ 5.4 यस 3 नहीं 4, नॉक्स की सिक्योरिटी सैमसंग पे, NFC, वाईफाई 6E एंड ब्लूटूथ, जायरोस्मीटर, अम्ब्रेला सेंसर, VC लिक्विड कूलिंग, VC चैम्बर कूलिंग, यस इन सब का ऑप्शन आपको ऑब्वियसली देखने मिल जाएगा। स्पेक्स के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला है सैमसंग। वेरियंट्स की बात कर लेते हैं, 12GB, 256GB, 14GB एंड यहाँ पर आपको 512GB, 14GB, 1TB का वेरिएंट आपको मिल सकता है एक्सपेक्टेड मान सकते हो। तो ये आपको ओवरऑल आपको डिटेल देखने मिलती है सैमसंग गलेक्सी S23 अल्ट्रा 5G की। कौन कौन लोग वेट कर रहे हो इस सैमसंग गलेक्सी S23 जो अल्ट्रा 5G का 2023 के किंग का, कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर से बताना, ताकि मैं आपके लिए ऐसा ही एक और न्यू और इसके रिगार्डिंग 100% कन्फर्म वाले स्पेक्स का वीडियो लेकर आपके सामने दोबारा आ सकूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं मिलता हूँ आपसे न्यू और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए गाइस ऑलवेज स्माइल।